आपने डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ और गैस से चलने वाली गाड़ियों के बारे में बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, और आपने कॉन्सेप्ट कार के बारे में भी सुना होगा जो कि पानी में चलती होंगी और कई तरह की टेक्नोलॉजीज बहुत सारी इस्तेमाल की होंगी। दुनिया भर की बड़ी कंपनियाँ और कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि पानी से चलने वाली कार बनाई जाए, लेकिन मैं भारत के ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊँगा जिसने पानी से चलने वाली कार बनाई है। और भारत के ही एक 15 वर्ष के छोटे से बच्चे ने लैंड माइंस डिटेक्टर बनाया है और उसे ड्रोन में फिट किया है, यानी कि लैंड माइन डिटेक्टर ड्रोन बनाया है उस व्यक्ति ने। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दो व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है गोविंद, आप लोगों का स्वागत है GMI इंडिया में। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ सागर मध्य प्रदेश में रहने वाले मोहम्मद रईस महमूद मकरानी से, जिन्होंने बनाया है पानी से चलने वाली कार। मोहम्मद रईस बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के 35 साल से अपने फैमिली गैराज में काम कर रहे हैं। 2012 में उन्होंने अपनी मारुति 800 को वाटर कार में बदल दिया। 2007 में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि कार तो रोड पे चलना ही है, पेट्रोल से भी चलना, डीजल से चलना, कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए जिससे हमको पेट्रोल की कमी भी महसूस ना हो, डीजल की कमी भी महसूस ना हो। और सबसे अहम बात, इससे जो प्रदूषण फैल रहा है फ्यूल से, ऐसा फ्यूल तैयार किया जाए जिससे प्रदूषण ना फैले। इस तरीके से मैं अपने काम में जुट गया। सन 2007 में मैंने एक प्रयोग शुरू किया। अपने एक्सपेरिमेंट में रईस मियां ने कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिक्सचर एसिटिलीन गैस की पावर को पहचाना और जुट गए अपने इस नए फ्यूल के हिसाब से इंजन को बनाने में। कैल्शियम कार्बाइड और पानी, ये दोनों के मिश्रण से एक रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन करके गैस निकलती है। उस तरीके से मैंने जब इंजन में, पिस्टन में, कनेक्टिंग में और हेड में जब मैंने बदलाव किया, बदलाव करने के बाद फिर मैंने ये फ्यूल बनाना जब शुरू किया, उसमें सारे सिस्टम लगाए। सारे सिस्टम लगाने के बाद इंजन को जब मैंने स्टार्ट किया, तो इंजन को मुझे खाली स्टार्ट करने में 1.5 साल लग गई। 2400 घंटे इसमें मैंने काम किया कि किसी भी तरीके से इंजन स्टार्ट हो जाए। जब जाके 1.5 साल के लगभग मैं इंजन को स्टार्ट कर पाया। मेक इन इंडिया से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इसीलिए उन्होंने जो भी ऑफर चाइनीज़ कंपनियों और दुबई की कंपनियों के द्वारा दिए गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि यह कार अपने भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, करना चाहते हैं और अपने ही भारत में बनाएंगे, इसे मेक इन इंडिया। जब मैं चाइना पहुंचा था और मीटिंग हुई मेरी, और मीटिंग में उन्होंने क्लियर ये बात रखी, आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहें तो हम इस फ्यूल के लिए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। वो मेक इन इंडिया की बात मेरे मन में ऐसी आई, हम क्यों ना अपने देश के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाएं। बस वो मेक इन इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी की वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने चाइना को खुल के बात कर दी कि नहीं, ये जो कुछ भी होगा मेक इन इंडिया होगा, ये जो कुछ भी होगा मेड इन इंडिया होगा और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी। अब तक मोहम्मद रईस 12 अवार्ड्स जीत चुके हैं अपने इस वाटर कार के लिए। मोहम्मद रईस ने अपनी इस वाटर कार को पेटेंट कराने के लिए भी अर्जी डाली हुई है, ताकि कोई और जो कंपनी है इनका फॉर्मूला ना चुरा सके। अब मैं बताता हूँ आपको गुजरात के एक 15 साल के लड़के के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, जिन्होंने ड्रोन बनाया है और जिससे कि लैंड माइंस डिटेक्ट किया जा सके। हमारे जो बहुत सारे सैनिक हैं वो लैंड माइंस पे गलती से पैर रखने की वजह से अपनी जान खो देते हैं, तो उसी को देखते हुए हमारे इस छोटे से हर्षवर्धन ने, 15 साल के जो गुजरात में रहने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं एक्चुअली, उन्होंने ये लैंड माइन डिटेक्टर बनाया है, ड्रोन है एक्चुअली ये, जिसे यूज़ करके हमारी जो सेना है वो पता लगा सकती है कि कहाँ कहाँ पर ड्रोन है, कहाँ कहाँ पर लैंड माइंस हैं और इससे बचा जा सके। और गुजरात सरकार ने इनका समर्थन करते हुए इनको 5 करोड़ रुपए दिए, ताकि वो इस तकनीक को अच्छी तरह से एक बड़े स्तर पर डेवलप कर सकें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिले।